नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली अपने घर से भागकर वसे आने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को रिक्शा चालक की सूझबूझ ने फिर पहुंचाया अपने घर। अक्सर कई बार कम उम्र के बच्चे बच्चियां घर पर हुई कुछ छोटी मोटी बात और माँ बाप की डांट झपट पर घर से भाग कर जाते हैं, जिनके परिवार को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। अभी वसई से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक 14 वर्ष की कम उम्र की नाबालिग लड़की दिल्ली से भागकर वसई पहुंच गई। लेकिन इस लड़की के परिवार को लड़की का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दरअसल वसई के एक रिक्शा चालक, जिसका नाम राजू करवड़े है, जो कि बहुजन विकास आघाड़ी के यूनियन लीडर भी हैं, जिनको 29 जनवरी सुबह के समय उक्त लड़की मिली, जो कि वसई में भाड़े के मकान की तलाश कर रही थी। तब लड़की की कम उम्र का ख्याल कर रिक्शा चालक राजू ने तुरंत पुलिस से संपर्क करते हुए लड़की की बात पुलिस को बताई, जिस पर मानिकपुर पुलिस ने हरकत में आते हुए लड़की के घर वालों का पता लगाकर घर वालों को बुलाकर उस लड़की को अपने परिवार को सौंप दिया। वीडियो में आगे सुनिए मणिकपुर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एवं लड़की को अपने घर पहुंचाने वाले राजू करवड़े को। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर, क्या विषय है, रिक्शा चालक ने एक छोटी बच्ची को ढूंढा क्या? 29 तारीख को एक लड़की दिल्ली से आई थी, वो स्टेशन पे घूम रही थी, छोटी 14 साल की लड़की थी। तो और उसने एक रिक्शा वाला है उसको पूछा कि भाई मुझे रूम चाहिए, नौकरी चाहिए, और वो अच्छी लड़की थी, इसलिए इनको डाउट आया कि भाई ये लड़की घूम रही है किधर की क्या है। तो उसको एड्रेस पूछा, कहाँ के रहने वाले उन्होंने पूछा, तो बोली भाई दिल्ली रहती हूँ। तो और उनको डाउट आया, भाई इतना अच्छी लड़की है, दिल्ली से आई है, रूम ढूंढ रही है अकेले और नौकरी ढूंढ रही है, कुछ दाल में काला है। तो फिर उन्होंने पुलिस को बताया, फिर हमारे एक पुलिस स्टेशन पे भेजा हम लोगों ने और उसको लेके आए। तो दिल्ली में साकेत पुलिस स्टेशन का एरिया है, वहाँ की रहने वाली थी। तो वहाँ हम लोगों ने पूछा तो वहाँ मिसिंग था, लड़की के बारे में मिसिंग कंप्लीट रजिस्टर थी। तो फिर हमने वो उसके माँ बाप का कांटेक्ट किया, उनका नंबर लिया, कांटेक्ट किया, तो वो बोले घर से गायब है लड़की। तो फिर हम लोगों ने उनको बताया कि इधर मिली है, तो फिर उनको बुलाया, तो वो लोग तुरंत प्लेन से आ गए इधर वसे, फिर पुलिस स्टेशन आए, तो उनको हमने समझाया कि भाई ऐसा ऐसा मिली थी, सुबह कल घूम रही थी, तो उसको फिर हमने उनके ताबे में दे दिया। तो रिक्शा वाले ने बहुत अच्छा काम किया है, उसका नाम राजू करपड़े करके है, वसे स्टेशन पर अपना काम करते हो। सर, क्या कुछ आह्वान देना चाहेंगे छोटे बच्चों को लेकर, जो अभिभावक थोड़े लापरवाह हो जाते हैं? हाँ, तो छोटे बच्चे अपन स्टडी करते नहीं, अपन उनको डांटते धमकाते तो घबर जाते हैं। फिर वो लड़के ऐसे ऑनलाइन स्टडी के वजह से उसको माँ बाप ने थोड़ा दम दिया था, तो बेचारे घबर के घर छोड़ के भाग के आए। तो फिर वो बोली मैं अभी घर नहीं जाऊँगी, नौकरी करूँगी, घर ढूँढूँगी वगैरह, तो वो हिसाब से आ गए। तो मैं बच्चों के माँ बाप को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई उनको थोड़ा उनके हिसाब से थोड़ा चलना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम राजू करवाड़े, बहुजन विकास आघाड़ी का यूनियन अध्यक्ष। क्या घटना हुई, आपने एक छोटी बच्ची को बताया क्या? मैं सैटरडे मॉर्निंग 6:30 बजे के आसपास वसे स्टेशन पे आया था, और उतने में ये ऋषिका नाम की एक लड़की जो दिल्ली से यहाँ वसई आई थी, उसने मुझे हाथ दिखाया और मुझसे कहा कि मुझे वसई में कहीं रेंट पे मुझे इधर रेंट पे रूम चाहिए था। तो मैंने उससे कहा कि आप कहाँ से आए हो? तो बोली मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे मुंबई में जॉब करना है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपको अगर रेंट पे रूम चाहिए तो उसके लिए कोई आईडी प्रूफ चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास आधार कार्ड है। तो मैंने उसका आधार कार्ड देखा तो उसके ऊपर दिल्ली का एड्रेस था, पुष्प विहार दिल्ली, सेक्टर नंबर 7। तो मुझे कंफर्म हुआ कि ये लड़की दिल्ली से आई है, लेकिन जब मैंने उसका आधार कार्ड पे उम्र देखा तो 2007 का उनका जन्म था, मात्र 14 या 15 साल की उम्र की लड़की दिल्ली से यहाँ आई है। तो मुझे लगा कि ये लड़की घर से किसी कारण से यहाँ भागकर आई है। तो मैंने
तुरंत अपने मोबाइल से वहाँ के ट्रैफिक पुलिस राकेश लोहकर को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन करने के बाद उनका फ़ोन उठा नहीं, तो फिर मैंने अपने सीनियर रणधीर जी कामड़े उनको फ़ोन किया। तब उन्होंने मुझे कहा कि ये पुलिस स्टेशन का मैटर है, तो उसे लेके पुलिस स्टेशन जा। तो फिर मैं तुरंत वहाँ से उसे मानिकपुर पुलिस स्टेशन लेके आया, और यहाँ पे जो ऑन ड्यूटी कांस्टेबल थे विकास ताकवाले, उनसे सारी कहानी बताकर उनसे कहा कि ये लड़की दिल्ली से आई है, और उन्होंने तुरंत उसका आईडी प्रूफ लेके उसके पिन कोड के हिसाब से जो साकेत पुलिस स्टेशन एरिया पड़ता है वहाँ फ़ोन लगाकर कंफर्म किया। तो वहाँ उसके नाम की एक मिसिंग कंप्लेंट थी जो उसके पापा वहाँ रजिस्टर करवा के गए थे। फिर उसे पूछने के बाद उसने अपने पापा का नंबर दिया, तो पापा से बात किए तो पापा ने कहा कि आपकी लड़की सुरक्षित है और मानिकपुर पुलिस स्टेशन में है, और आप जल्द से जल्द आके अपनी लड़की को यहाँ से लेके जाइए। अभी वो अपने घर से सलामत पहुँच गई। तो अभी उसके पापा तकरीबन 2 या 2:30 बजे फ्लाइट से आए, और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के जो भी प्रोसीजर के हिसाब से अपना काम करके अपने बेटी लड़की को यहाँ से सुखरूप अपने घर पे लेके गए। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7